बचपन से ही मेरा रुझान भक्ति भजन कीर्तन की तरफ रहा है। मंदिर जाना, रामायण के पाठ में सम्मिलित होना, हनुमान चालीसा पढ़ना, यही सब करते करते मैं बड़ी हुई। जब महाराज जी ने अपनी शरण में लिया तब भी यही सब करने को मिला, बल्कि तब तो आश्रम में होने वाली स्तुतियां भी मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। किंतु ये सब किसी नियम या संकल्प के अंतर्गत कभी नहीं किया गया मैंने, बस यूं ही प्रेम व श्रद्धा भाव से करती चली गई। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि ये फलित नहीं होगा, बिल्कुल होगा या बिल्कुल हुआ भी। इस बरसों लंबी साधना का परिणाम ये हुआ कि मेरा रुझान परमात्मा तक एक संयोजित शक्तिशाली तथा तीव्र तरीके से पहुंचने में बढ़ता गया। दूसरे शब्दों में कहें तो मुझे लगने लगा कि मैं पाठ पूजा को इतना समय देती हूँ किंतु जो असर होना चाहिए वो नहीं होता, और मुझे ये महसूस होने लगा कि प्रार्थना हमेशा एक संकल्प के साथ की जानी चाहिए, प्रार्थना एक पक्के इरादे के साथ की जानी चाहिए और सुनियोजित तरीके से की जानी चाहिए, तभी उसका फल बेहतर मिलता है तथा शीघ्र मिलता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण के पाठ कर रहे हैं तो ये संकल्प लेकर करें कि आप 11, 21, 51 या 108 पाठ 21 या 41 दिन तक करेंगे, और जिस कार्य की प्राप्ति हेतु, जिस कार्य की पूर्ति हेतु कर रहे हैं वे कामना भी करके प्रारंभ करें। और भी श्रेष्ठ ये होगा यदि आप इस पाठ को ब्रह्म मुहूर्त में करें, और यही बात श्री सिद्धि माँ भी मुझसे कहा करती थी। एक बार तो उन्होंने मुझे एक किताब दी थी जिसमें 108 बार बजरंग बाण छपे हुए थे, और एक विशेष दिन उन्होंने मुझे ये पाठ संपन्न करने के लिए कहा था। कई बार ऐसा भी हुआ कि माँ ने मुझे बजरंग बाण 11 बार करने को कहा, और ये भी कहा कि ये भी बताया कि कितने दिन ऐसा करना है। मुझे लगता है कि यदि आप इस तरह से प्रार्थना करें तो उसका प्रभाव कहीं अधिक होता है, ये मेरा निजी अनुभव रहा है। महाराज जी ने तो सदा राम नाम के उच्चारण को श्रेष्ठ माना है। सुंदरकांड भी बताया करते थे महाराज जी, उन्होंने ये भी कहा है कि आज यदि सच्चे मन से हम भगवान का नाम या राम का नाम अपने मुख से नहीं लेते हैं तो निराश न हो, एक दिन वो भी आएगा जब सच्चा नाम भी ले पाएंगे। बस नाम लेना बंद ना करें, राम से अधिक तो राम के नाम की महिमा है, कौन नहीं जानता। जय श्री राम। महाराज जी की जय, श्री माँ की जय।